अभी मैं बताता हूँ कि कैसे सूडो गायनेकोमेस्टिया और ट्रू गायनेकोमेस्टिया में डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसके लिए बेसिकली थंब और इंडेक्स फिंगर लेने का है, ठीक है। एंड बेसिकली इसको आपको पिंच करना है बेसिकली। तो पिंच करेंगे, सपोज करो दिस इज, अगर सूडो गायनेकोमेस्टिया है तो क्या होगा, जब आप पिंच करेंगे तो ये जो है, ये अब जो है, ये फिंगर्स और थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में जो है आपको कोई भी, ये जो है बेसिकली सपोज करो अगर हम यहाँ पे पिंच करते हैं तो यहाँ पे पिंच करेंगे तो इतना थिकनेस फील होगा। और अगर देखिए जो ग्लैंड और टिश्यू है, तो अगर हम इसको पिंच करेंगे यहाँ पे तो ये फिंगर और इंडेक्स, ये थंब और इंडेक्स फिंगर जो है आपस में जुड़ी नहीं रहेंगी। तो अगर ये गायनेकोमेस्टिया है, ये ग्लैंड और टिश्यू है, जिसकी वजह से जो है ये फिंगर दोनों क्लोज नहीं होती है। एंड सपोज करो जो है, अगर ये यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे सूडो गायनेकोमेस्टिया जस्ट फैट है, तो अगर पिंच करेंगे तो ये देखिए कितना नजदीक तक ये आता है। ऐसे हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये सूडो गायनेकोमेस्टिया है या फिर जो है ट्रू गायनेकोमेस्टिया। ये ट्रू गायनेकोमेस्टिया है, जब हम यहाँ पे फील करते हैं तो ये बेसिकली एक जो है लंप फील होता है, और आपको थोड़ा प्रेस करते हैं पेन भी होता है थोड़ा सा, नहीं ना, किसी किसी को थोड़ा सा पेन लेफ्ट होता साइड है, में होता है सर। लेफ्ट में होता है। ओके किसी, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ग्लैंड बड़ा है तो ये देखिए यहाँ पे ये हमें फील होगा। आइडियल पोजीशन जो है लाइंग डाउन में आप सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं इस तरह से। अगर सूडो गायनेकोमेस्टिया होता है तो ये थंब और इंडेक्स फिंगर दोनों एक साथ आ जाती, जैसे मैंने अभी यहाँ पे नॉर्मल फैट है वैसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था। ऐसे हम पता कर सकते हैं कि ये सूडो गायनेकोमेस्टिया है या फिर ट्रू गायनेकोमेस्टिया।